स्टूडेंट एक गारंटी आप गारंटी आप मिनिमम प्रॉफिट गारंटी आप मिनिमम प्रॉफिट गारंटी आप मतलब जो भी पार्टनर्स लेता है उसको गारंटी दी जाती है कि आपको मिनिमम प्रॉफिट इतना मिलेगा। इस तरीके के सॉल्व देखते हैं, है ना। वही चैप्टर है आपका पार्टनरशिप फंडामेंटल वाला। एग्जांपल नंबर 31 है। एग्जांपल 31, राम एंड कृष्णा आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशो ऑफ 3:2। ये राम का रेशो 3 दे रखा और कृष्णा का 2 रेशो है। दी एडमिटेड देयर अकाउंटेड शिव वाज एडमिट इन टू द पार्टनरशिप फॉर 1:10। यू नो शिव एडमिट पार्टनर है और उसका शेयर रेशो दे रखा आपको 1:10। ही वाज गेटिंग ए सैलरी ऑफ 5,000 पर मंथ। है ना, शिव को 5,000 पर मंथ सैलरी दी जाती है। शिव हैज बीन गिवन ए गारंटी देयर द अकाउंट ऑफ प्रॉफिट रिसीव्ड बाय हिम इन एनी ईयर विल बी नॉट बी लेस देन हिज सैलरी। 5,000 सैलरी दी जाएगी और उसे गारंटी दी जाती है कि आपको हर महीने 500 सैलरी दी जाएगी और आपकी सैलरी लेस नहीं की जाएगी, उसमें से आपको लेस देन नहीं किया जाएगा। द फर्म एंटर्ड प्रॉफिट ऑफ ₹50,000 ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर। है ना, सो द डिस्ट्रीब्यूट ऑफ प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स। आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है पार्टनर्स में, है ना। द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट ऑफ डिस्ट्रीब्यूट स्टेटमेंट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट ऑफ डिस्ट्रीब्यूट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड। आपको एक विवरण पत्र स्टेटमेंट बनाना है प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। पर्टिकुलर जो भी मार्चर्स है उनके लिए पर्टिकुलर राम कृष्णा एंड शिव की पार्टनर से राम कृष्णा एंड शिव टोटल प्रॉफिट दे रहेगा आपको 50,000 का प्रॉफिट है ना। आपके पास टोटल प्रॉफिट 50,000। फर्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे शेयर शेयर ऑफ प्रॉफिट टू सी शेयर ऑफ प्रॉफिट टू सी। देखिए शेयर ऑफ प्रॉफिट मतलब आप प्रॉफिट कितना है, जैसे मान लीजिए प्रॉफिट है 50,000 का प्रॉफिट है इंटू उसमें शेयर है ना, शिव के कितने शेयर है 1:10, ये उसका शेयर है। ठीक है, 1,000 कैंसिल किया, 5,000 रुपीज शिव के अकाउंट में, कृष्णा अकाउंट में। अब देखिए 5,500 पर मंथ शिव को सैलरी दी जाती है ना, 500 के हिसाब से पूरे दो मंथ 6,000 उसकी सैलरी बनती है ना, और उसका शेयर मिले उसे 5,000 रुपीज। 5,000 रुपीज में से 1,000 रुपीज कौन शेयर करेगा, वो राम एंड कृष्णा से देगा, जो उसके बैलेंस बचा वो राम एंड कृष्णा से शेयर करेगा। सेकेंड पॉइंट है
शेयर ऑफ प्रॉफिट, शेयर ऑफ प्रॉफिट टू राम एंड कृष्णा, राम एंड कृष्णा। देखिए टोटल प्रॉफिट है 50,000 का, उसमें से शिव के 5,000 माइनस कर देंगे, उसका जो शेयर बना था 5,000 उसको माइनस किया, टोटल 45,000 रुपीज ये राम एंड कृष्णा इसमें आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब देखिए राम और कृष्णा का रेशो आपको दे रखा है 3:2, 5,000 सबसे पहले राम का लेते हैं, राम 5,000 इंटू 3/5, 5 की टेबल 7 से आप 9 × 1 27,000 रुपीज राम को, इसी प्रकार कृष्णा, कृष्णा 45,000 इंटू उसका रेशो दे रखा है 2:5, 5 की टेबल से 9 × 18,000 रुपीज कृष्णा किसमें, ये तो आपका प्रॉफिट तीनों पार्टनर्स में आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, एक तो था 50,000 का, 5,000 शिव केस में, 27,000 राम केस में और 18,000 रुपीज कृष्णा केस में डिस्ट्रीब्यूट किया। आप देखिए तो 1,000 का यहाँ पर जो मैक्सिमम मिनिमम 6,000 शिव को देना थे, बट उसके अकाउंट में 5,000 रुपीज दिए, 1,000 रुपीज को देगा राम एंड कृष्णा शेयर करेंगे। लेकिन शिव थर्ड में डालेंगे, शिव देवी सेंसी, देवी सेंसी बोर्न बाय राम एंड कृष्णा, ये अपने जो 1,000 रुपीज है वो किससे लेगा, राम एंड कृष्णा से लेगा, राम एंड कृष्णा। ठीक है टोटल सैलरी 500 इंटू 12 टोटल सैलरी 6,000 बन रही है शिव की, उसमें से ओनली जो उसे 5,000 रुपीज दिए हैं, 1,000 रुपीज का डिफरेंस है, 1,000 कौन देगा, राम एंड कृष्णा। टोटल सैलरी 6,000 उसमें से 5,000 के सैलरी मिल चुकी है उसके अकाउंट में है, 5,000 जो डेले बचा हुआ 1,000 को बोर्न बाय राम एंड कृष्णा से लेगा। ठीक है राम 1,000 इंटू 3/5, ये उसमें रेशो दिया है 5 × 5 की टेबल से 600 रुपीज राम से लेगा, माइनस किया 600 माइनस करें यहाँ से कृष्णा, कृष्णा का रेशो दे रहा था आपको 1,000 इंटू 2/5 आई पी एम एस 2 × 400 रुपीज कृष्णा से, और प्लस 1,000 रुपीज किसको मिलेगा यहाँ प्लस करना आपके, देखिए 600 रुपये राम देगा, 400 रुपये कृष्णा जाएगा, टोटल उनके अकाउंट में 1,000 रुपीज टोटल लगा दीजिए 6,000 शिव के अकाउंट में, जो मिनिमम उसे 6,000 देना थे है ना, उसके हिसाब से 6,000 से मिल चुके, 18,000 में से 400 माइनस किया 70,600 कृष्णा के अकाउंट में, और 26,400 राम के अकाउंट में, यह आपका हो गया टोटल ऑफ प्रॉफिट, टोटल ऑफ प्रॉफिट। इस तरीके से है ना प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ये था आपके सामने एग्जाम्पल नंबर 31।
इस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है स्टेटमेंट बना के।
थर्ड पॉइंट में आपको जो बैलेंस बचा हुआ है ना उसको शेयर करेंगे, कहेंगे सीएस डेकी सेंसी बोर्न बाय ए बोर्न बाय ए एंड बी एंड बी ए एंड बी सी एस को मैक्सिमम 2000 देना थे, उसमें से उसका हिस्सा जो 1600 रुपये बना, मतलब जो रिमाइंडिंग बैलेंस बचा है 400 रुपीज वो कौन देगा, ए एंड बी देगा, या ए 400 इंटू 3/5 और बी 400 इंटू 2/5 8 टाइम 5 से ठीक है, क्या बचा 80 × 3 240 रुपये, एक को देना है 160 रुपये, बी से लेना है टोटल प्लस हो जाएगी उसके अकाउंट में 400 रुपये, टोटल लगाएंगे 2000 रुपीज मिनिमम देना थे, जो है 2000 उसमें से माइनस किया 0 2 3 2 0 4 3 योगा तीन होगा टोटल ऑफ प्रॉफिट, टोटल ऑफ प्रॉफिट इस तरीके से आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट आप डिस्ट्रीब्यूट करना, ये गारंटी है मिनिमम प्रॉफिट वाले क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल है, मैंने आपको एग्जाम्पल नंबर 1 और एग्जाम्पल नंबर 2 बताया अभी, है ना, आपको होमवर्क दे रहा हूँ ऐसे कैसे क्वेश्चन आप होमवर्क के लिए हैं, क्वेश्चन नंबर 35 होमवर्क है आपके लिए, तो क्वेश्चन नंबर 37 क्वेश्चन 35 एंड 37 होमवर्क है क्लास 12th और पीएचडी, इस तरीके से क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, जिस तरीके से मैंने आपको बताया इस तरीके से दोनों क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, मिनिमम प्रॉफिट के क्वेश्चन है ना, नेक्स्ट कर लेंगे ओके। क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं आपको एक बार, 35 क्वेश्चन नंबर है, ए बी आर पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशो ऑफ 2:1, दी एडमिट देयर मैनेजर सी इनटू पार्टनर सी, यहाँ पर सी को एडमिट किया जो मैनेजर ग्रुप में 1 जनवरी 2017 हु वाज गेटिंग ए सैलरी ऑफ 300 पर मंथ, उसे 300 पर मंथ सैलरी देना है, तो 12 मंथ के हिसाब से आपको निकालना है, 12 मंथ के हिसाब से कितनी आएगी 3600 की सैलरी हो जाएगी, जिस प्रकार मैंने आपको क्वेश्चन बताया उसी प्रकार सॉल्व करना है इसको, है ना, 1/2 शेयर इन द प्रॉफिट हैज बीन गिवन गारंटी दैट द विल गेट लेटेस्ट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इक्वल टू हिज सैलरी, जो भी प्रॉफिट होगा उसको इक्वली सैलरी है, देन दैट प्रॉफिट ऑफ 2017 आपको प्रॉफिट दे रखा है 27,000 का आपको प्रॉफिट दे रखा है फॉर द ईयर एंडेड 31 December 2017, आपको शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एवं ए और बी में आप एंड सी में आपको प्रॉफिट इस तरीके से बनाना है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 37 है इसको भी इसी प्रकार से आपको सॉल्व करना है, ए एंड बी आर पार्टनर इन ए फर्म इन द रेशो ऑफ 3:2, दी एडमिट सी फ्रॉम 31 January 2017 फॉर द 1/5 शेयर इन द पार्टनरशिप ही इज गिवन गारंटी ए मिनिमम अमाउंट ऑफ 2000 रुपीज़,
The mutual ratio of A and B will be remain unchanged during the year 2017. The firm will make profit of 80,000. So the distribute profit of among A, B, C. दोनों क्वेश्चन मैंने जिस प्रकार से बताया उन प्रकार से होमवर्क कर लिया आपको। फर्स्ट के क्वेश्चन में आपको 35 में आपको सैलरी निकालना है यहाँ पर, ठीक है, वेयर ऑफ बंदे की। और सेकेंड क्वेश्चन में आपको 2,000 रुपीज दे रहे थे मिनिमम, उसको इतना प्रॉफिट देना है। जिस तरीके से मैंने आपको क्वेश्चन सोल्व किया इसी प्रकार आपको उसको सोल्व करना है।